प्रदेश के नगरीय प्रशासन मंत्री जयवर्धन सिंह अपने इंदौर दौरे के दौरान शहर की 56 दुकानें पहुंचे। मंत्री इस क्षेत्र को करीब 6 करोड़ रुपए में विकसित करने के स्मार्ट सिटी प्रोजेक्ट को देखने सोमवार शाम पहुंचे। नगरीय प्रशासन मंत्री जयवर्धन सिंह ने निगम अधिकारियों से कहा कि इसे गुड़गांव के साइबर हब की तरह बनाएं। तब निगम आयुक्त ने कहा कि इसे न्यूयॉर्क के टाइम्स स्क्वायर जैसा बनाएंगे। व्यापारी बोले कि यहां रात 2 बजे तक व्यापार की अनुमति मांगी, जिस पर मंत्री ने कहा 24 घंटे चलाने में क्या समस्या है, इसे 24 घंटे चलाओ। मंत्री को निगम आयुक्त ने बताया कि 50 दिन में 56 दुकान को बदल देंगे, यहां 50 दिन का काउंट डाउन टाइमर भी लगाया जाएगा। उन्होंने बताया कि यहां पूरे 150 मीटर के हिस्से को नो व्हीकल जोन कर दिया जाएगा। दोनों तरफ 56 दुकान के लोगो लगेंगे और दुकानों के बोर्ड भी एक जैसी स्टाइल में होंगे। बीच में अलग अलग एक्टिविटी के काउंटर होंगे और पूरा फूड कोर्ट डेवलप होगा। बिजली तारों को देख मंत्री ने पूछा कि ये हटेंगे या नहीं। स्मार्ट सिटी कंपनी के CEO संदीप सोनी ने बताया कि वायरिंग अंडरग्राउंड होगी। MG रोड और 56 दुकान की दूसरी तरफ 2 मैकेनाइज्ड पार्किंग भी बनेगी। देखिए, स्व सर्वेक्षण में जो सर्वे की जा रही है, इसके लिए इंदौर नगर निगम के हर एक अधिकारी ने इंदौर नगर निगम के सभी जो परिषद है, सभी सदस्यों ने और विशेषकर इंदौर के हर एक नागरिक ने प्रतिदिन इस काम पर विशेष ध्यान दिया है। ये मेहनत एक दिन या एक महीने की नहीं है, लगातार एक साल इंदौर के हर एक नागरिक ने इस पर ध्यान दिया है। साथ में राज्य सरकार ने भी इंदौर को पूरा सपोर्ट दिया है। अभी मैं कुछ घंटे पहले जो नई MRF फैसिलिटी है, जिसमें कि लगभग 30 करोड़ की वहाँ पर पूरी जो व्यवस्था, जो मशीनें लगी हुई हैं, सबसे आधुनिक वहाँ पे फैसिलिटी है पूरे देश में, और पहली बार उस स्तर की एक ऐसी व्यवस्था कहीं भी देश में स्थापित की गई है, जिससे कि लगभग 300 टन कचरा प्रतिदिन वहाँ पर प्रोसेस हो रहा है। तो ये काम आज से नहीं, हमने प्लानिंग से किया है पिछले एक साल से, और मुझे पूरा विश्वास है कि इंदौर चौथी बार अव्वल नंबर पे आएगा। देखिए, 56 दुकान का नाम पूरे देश में प्रसिद्ध है। सिर्फ इंदौर या मध्य प्रदेश से नहीं, पूरे देश से लोग यहाँ पर आते हैं घूमने के लिए। तो यहाँ पे अनेक दुकानें हैं जहाँ पर अलग अलग प्रकार के खाना मिलता है, रेस्टोरेंट जो हैं तो सब यहाँ पे काफ़ी मशहूर हैं। लेकिन हमको लगा कि यहाँ पे हम एक और आधुनिक व्यवस्था यहाँ पर सभी जो यहाँ पे लोग आते हैं उनको हम दें। जिस प्रकार से हमने देखा गुड़गांव में साइबर हब है, जिस प्रकार से न्यूयॉर्क में टाइम स्क्वायर है, तो उस स्तर पर हम 56 दुकान का पूरा एरिया देखना चाहते हैं। तो यहाँ पर हमने एक पूरा प्रोजेक्ट बनाया है, जिसका आपने अभी देखा होगा स्क्रीन पर, यहाँ पर अभी मेरे पीछे ही उसका पूरा आप देख सकते हैं। तो ये काम पूरा हम चालू करेंगे बहुत जल्द, जिसमें कि पूरे जो स्ट्रीट लाइट्स का जो तारा आप दिख रहे हैं, सब ये सब तारे अंडरग्राउंड की जाएंगी। पूरा यहाँ पे नई टाइल्स, नए पेवर्स लगाए जाएंगे, सड़क और चौड़ी की जाएगी, पार्किंग की व्यवस्था दोनों तरफ की जाएगी, जिससे कि जो यहाँ पर लोग घूमने आते हैं उनको और अच्छी व्यवस्था दी जाएगी। साथ में जो लोग यहाँ पर व्यवसाय करते हैं उनको भी और बेहतर व्यवस्था मिलेगी। ऐसी कोई जानकारी से शिकायत नहीं आई है, लेकिन अगर आप जो कह रहे हो, अगर आपके पास कुछ तथ्य हैं, कुछ ऐसे बिंदु हैं, तो आप मुझे कभी भी आप दे दें और मैं उस पर कार्रवाई कराऊंगा। लेकिन मैं पुनः ये बात दोहराऊंगा कि ये जो अभियान कमलनाथ जी की सरकार करा रहे हैं, इसमें सिर्फ और सिर्फ जो भू माफिया है, जिन्होंने अवैध तरीके से सरकारी ज़मीन या कोई गरीब की ज़मीन पर कब्जा किया है, उन पर ही कार्रवाई की जा रही है। जो गरीब लोग हैं उन पर कार्रवाई नहीं की जाएगी। भू माफिया के अलावा अन्य माफियाओं के सिर्फ एक साल में भू माफिया के साथ में जो लोग काम करते थे मिलावट का, उन पर इतनी बड़ी कार्रवाई की है। ये दोनों इतने बड़े काम हैं जो भाजपा की सरकार 15 साल में नहीं कर पाई, कमलनाथ जी ने एक साल में करके दिखाया। कैलाश जी बहुत वरिष्ठ नेता है BJP के। मैं तो इतना ही कहूँगा कि वो भी हमारा साथ इस अभियान में दे,
क्योंकि इस अभियान से जो आम जनता है, जो गरीब लोग हैं, उनका भला हो रहा है।